मैं ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं रहूंगा तब भी सर मुझसे मिलने आएंगे, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। आप यहाँ पर आए और अपना काम अच्छे से किया। मेरे बेटे को अरेस्ट ना करके शो ऑफ क्यों किया बताएंगे? आखिर ये सब क्यों था शो ऑफ, बताएंगे इस बारे में क्या था वो सब? मुझे सरकार से सैलरी लोगों की मदद करने के लिए मिलती है। भूख हड़ताल के नाम पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाकर पानी पीकर चुपचाप तंबू लगाकर सोए रहते हैं। ऐसे लोगों को ग्लूकोज पिलाकर चमचागिरी करना मेरा काम नहीं। अगर मेरे काम में कोई रुकावट बनता है तो इसमें उनका ही नुकसान है। पापा, इससे बात करने के कोई फायदा नहीं है, आप ही समझाइए। ये केवल इस्लाम की भाषा समझता है। तुम कौन से इस्लाम के हो भाई, जो दोस्ती निभाने के लायक नहीं है? ब्लडी मुस्लिम। हाँ तो आई एम अ ब्लडी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमारे खानदान में हर कोई सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं। कोई अगर मेरे सीने में बम बांध कर मुझसे ये कहे अपने मजहब का साथ दो, तो भी मैं यही कहूँगा कि सारे इंसान मेरे लिए एक समान हैं, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अधारी गुट्टी, तुम अंदर जाओ। एक थर्ड क्लास नेता को पकड़कर आप एक अच्छी पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं, समाज को सुधारने के लिए या फिर उसे बिगाड़ने के लिए? मुझे समझाएगा तू? मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? मैंने सोचा आपकी पार्टी के लिए कुछ बता दूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अलारी कुट्टी का पेटी केस के नाम से ताहिर अपनी पार्टी से और विपक्ष पार्टी से तकलीफ सहन कर रहा है। ये कोई राजनीति नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। जब ताहिर को चिकन गुनिया हुआ था तो एक लड़की ने उसका इलाज नींबू और पत्ते से किया था, ऐसा इल्जाम अपोजिशन पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है। ये बात सही है या नहीं है, इस बात की पुष्टि कीजिए। और मुझे लगता है बस करो। तुम जहाँ से आए हो वहीं भेज सकता हूँ तुम्हें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बेवकूफ नहीं है। आपने अभी तक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अच्छा नाम कमाया है, इसीलिए आप किसी के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहेंगे। मैंने सही कहा कि नहीं? मैं आपसे छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरी राय आपको लेनी चाहिए। हमने बहुत इस्लाम देखा है लेकिन ये कौन सा इस्लाम है? आपने कुरान पढ़ी है? हाँ हाँ। बताओ। नहीं, पवित्र कुरान में एक सूरत का मतलब जानकर अगर तुम समझाना चाहो तो भी तुम उसे नहीं समझा सकते। छे, सर आप अभी तक नहीं आए ये सोचकर मैडम चिंता कर रही थी, लेकिन आप ध्यान मत देना सर, इस चाय के ठंडा होने से पहले पी लीजिए इसे। आप तो फालतू में फंस गए। सर आप सुबह आकर के कोई ना कोई कमाल करेंगे ऐसा सोचा था मैंने। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक इस नौकरी में हैं तब तक कम से कम अच्छे से हम लोग रहें। हम लोगों को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए, बड़े लोगों को दुश्मन ना बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार निभाना चाहिए, और मुझे लगता है कि शक्ति को भी छूना नहीं चाहिए था। सांप और नेवले को एक ही पिंजड़े में पालने की टेक्निक है सर, ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। हम लोगों को बस अपनी ड्यूटी पर खड़े रहना चाहिए। कौन है? किसी लड़की का है। कमाल की हो तुम, अच्छी हो। या स्पीकिंग। अरे सुनो ना, सर ने ड्यूटी को ज्वाइन करते ही पंगा लेना शुरू कर दिया है। मैंने तो बहुत समझाया लेकिन सर को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। ओ। सर थोड़े टेढ़े आदमी हैं। आपकी सुविधा के लिए मेरी पत्नी यहाँ पर आएगी, वो आपके काम में हाथ बटा दिया करेगी। आलिस नाम है। इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, आपकी बेटी का एडमिशन स्कूल में अभी तक नहीं हुआ ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सही है? क्या मैंने सही सुना है? अभी तक नहीं किया, कोई अच्छे स्कूल में सीट मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता है अभी तक। जरूर मिलेगी, आलिस चाहे तो सेंट एंटोनी स्कूल में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मिस्टर जॉन वर्गिस। यस सर। गेट रेडी फॉर एन ऑपरेशन सर। अरे सर वो मुझे वो नहीं बताया, 5000 केस विस्की लेके शेट्टी की लॉरी आएंगी विदाउट एक्साइज ड्यूटी। अरे बस यही बात है,
अरे सर, जो शेट्टी आ रहा है ना, उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हा? वो चला जाएगा। उसको पकड़ने के लिए अगर जो हम उसके पीछे ही पड़े रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला। उस पर मुख्यमंत्री का हाथ है। आप गुरु को जानते हैं, मैं उसकी जानकारी रखता हूं। सर बातें मत करो, कीप मूविंग, कम ऑन फास्ट। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुको रुक जाओ, चेक करो गाड़ी से बाहर निकल, एक एक चीज अच्छे से चेक करो। गाड़ी लेकर आ रहा है कोयम्बतूर से। आराम से आराम से, मिला कुछ? रहीम हाजी के कत्ल के केस का न्याय मांगने के लिए वो लोग अनशन पर बैठे थे तो आप लोगों ने उन्हें मारा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, बताइए? इसने जानबूझ के किया सर। नो, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। इसने लाठी चार्ज करके हमारे लोगों की जान खतरे में डाली और फिर भी आप इसको यहाँ से जाने दे रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया सर, भीड़ आपे से बाहर हो गई थी इसीलिए मुझे चार्ज का ऑर्डर देना पड़ा ताकि हम उन्हें कैसे भी करके रोक सके, और कुछ नहीं सर। आप मुझे मत सिखाइए, मैंने भी बहुत लाठी चार्ज देखी है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। पत्थर चाकू तलवार लेकर खड़े हजारों लोगों के बीच में बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनके काम में कितना रिस्क है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझाएगा कि एक फोन कॉल आने से उस रात में पुलिस फोर्स लेके शेट्टी को पकड़ने के लिए, मगर क्या हुआ बता मुझे, क्या हुआ बता मुझे, ये क्या है? रात में छाता पकड़ कर खड़े हो है? अब मुख्यमंत्री जी को जवाब दो। स्टूपिड यूजलेस। इस तरह के निगेटिव कमेंट्स मैंने कई लोगों के मुंह से हिंदी और इंग्लिश में कई बार सुने हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो मुझे आप जैसे लोगों से भी सुनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। जवाब देना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों से भलाई की उम्मीद करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। अब मेरे सामने ज्यादा बोल मत। आईपीएस वाला मोहम्मद सरकार, ये तुझे नाम किसने दिया? आपके पिता ने। ए, मंत्री के बाप का नाम क्या ले रहा है? हाँ? सर इसे कहिए यहाँ छोड़ो। हाँ छोड़ो। मिस्टर मोहम्मद, एक होम मिनिस्टर के पिता का नाम लेना मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मेरे सबॉर्डिनेट के पिता के बारे में गलत बात, आई विल नॉट टॉलरेट। यू हैव टू टॉलरेट सर। मैंने सही कहा ना सर? होम मिनिस्टर जी ने मुझसे जो सवाल किए, मैंने केवल उसी सवालों का जवाब दिया है। मुझे लगता है मैंने जवाब भी सही दिए हैं, दैट्स ऑल। मेरा नाम मोहम्मद मेरे पिता ने रखा है, लेकिन मेरे नाम के साथ जो सरकार नाम है वो इनके पिताजी ने रखा है, नारायण नंबियर जी ने। हाँ सर, मालाबार हिल से भगाया एक बेचारा गरीब क्रिश्चियन गाना गाने वाला और उसका परिवार, उनको समाज के पार्टी वालों ने त्रिवेंद्रम सेक्रेटेरिएट के सामने रहम के लिए अनशन करवाया सर, रहम के लिए अनशन। और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त आप कर्मचारी पार्टी के नेता थे, मगर आपने उस वक्त हम लोगों पर रहम बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे मेरे पिताजी मोहम्मद रफी बनाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर का खाना खाने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में भर्ती किया गया। हेडमास्टर ने मेरे घर का एड्रेस पूछा, पर मेरी अनपढ़ माँ उन्हें एड्रेस नहीं बता पाई। स्ट्रिक और मजाक करने वाला स्कूल का हेडमास्टर उस वक्त के नंबियार सर ने, मतलब इनके पिताजी ने, मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए मेरे नाम के आगे सरकार नाम जोड़ दिया। सेक्रेटेरिएट के सामने खड़ा था ये मामूली सा मोहम्मद सरकार, मोहम्मद सरकार।
शुरू में ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर बाद में ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। मेरा मजाक उड़ाने वाले को मैंने जवाब दिया, जो हमारे अन्नदाता हैं वो मालिक, और जिसने मुझे खाना खिलाया उस ब्रिटिश साहब ने मिलके मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे इस काबिल बनाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और सरकार नाम मुझे पसंद आया। इजी इजी, यू कैरी ऑन सर।